सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में हम लोगों ने क्या देखा कि देयर इज अ एप्रोप्रिएट सिस्टम, और ये एप्रोप्रिएट सिस्टम में क्या हुआ था, तो नेल्सन मंडेला ने क्या किया, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफाइन के जब जेल से आए, और जेल से आने के बाद 28 साल के बाद में ये क्या किए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिए था आफ्टर 28 इयर्स, कि ये था कॉन्स्टिट्यूशन इन 1994, उस समय से नींव रखा गया था, यानी कि within 2 years of making of the constitution, a brief constitution has been given to the people of South Africa. तो जो constitution दिया गया, तो basically उसका क्या किया गया? Design किया गया. So we have designed the constitution. The people of South Africa designed the constitution. Afterwards, the designing of the constitution of a country is a set of written rules. What it says? It says it's a set of written rules. So what are the rules have been written? So there is no discrimination against men and women. All the peoples have been provided with the equal rights. और भी बहुत सारे प्रावधान जो उसमें mention किए, and there will be no any discrimination against the black and the white people. Even the fair people has not been discriminated. For example, just जैसे इंडिया में चलता था, वैसे ही same condition prevailed था कहाँ पे? South Africa पे. यहाँ पे untouchables थे, there will be a black and white peoples. तो उसमें सेट ऑफ रूल्स में क्या था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, व्हाट सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, सो ऑल द पीपल्स दैट आर बीइंग लिव टुगेदर इन अ पर्टिकुलर कंट्री हैज टू बी अबाइड बाय द सेट ऑफ रूल्स थ्रू व्हिच द पीपल इज बीइंग गवर्नड, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एवरी कॉन्स्टिट्यूशन, बट बिफोर दैट देयर इज नो प्रैक्टिस ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चलता नहीं था, बोल दिए बात हो गया, बस उसको मेंशन कर दिए, सो आफ्टर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वर्किंग इन 2 इयर्स फॉर द होल ऑफ द 2 इयर्स ही गेव द सेट ऑफ रूल्स थ्रू व्हिच द कंट्री इज बीइंग गवर्नड, द पीपल इज बीइंग इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड आल्सो द सेट ऑफ रूल्स थ्रू व्हिच द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज बीइंग गवर्नड, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, इससे ऊपर का कोई लॉ नहीं हो सकता, इससे ऊपर का कोई लॉ नहीं हो सकता, सबसे ऊपर का लॉ कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितने भी नेता आएंगे, जितने भी राजनेता आएंगे, ये क्या होंगे, इससे नीचे रहेंगे, इससे ऊपर नहीं हो सकते हैं, दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप किसके बीच में अमंग द पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी कॉल्ड द सिटीजन्स, ये रिलेशनशिप दिखाएगा किसके किसके बीच में, देयर इज अ गवर्नमेंट एंड देयर इज अ सिटीजन, द सिटीजन एंड गवर्नमेंट हैज बीन डिटरमाइंड देयर रिलेशनशिप थ्रू द हेल्प ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, how will we determine the relationship with क्या है government, लोग तो determine नहीं कर पाएंगे, तो determine कौन कर पाएगा, ये constitution कि उसका क्या क्या power है, उस government की क्या क्या power है, उस power के बाहर जाकर वो कोई काम तो नहीं करता, अगर करता है तो हम उसको रोकेंगे, अगर हम कोई काम कर रहे हैं constitution के बाहर जाकर तो government हमको रोकेगी, but इतिहास रहा है भारत में जैसे constitution के बाहर राजनेता जाके काम करते हैं, पैसा बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एक आम आदमी बनाता है तो क्या हो जाता है उसका, मतलब बहुत सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला जाता है, ये किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या था, सिद्धार्थ जो थे सीसीडी के फाउंडर थे, क्या किया, आत्महत्या कर लिया, क्यों, इनकम टैक्स का लगातार रेट बढ़ा जा रहा था, तो रूल्स होना चाहिए, बट रूल्स हैज टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द पीपल्स, दूसरा चीज बोलता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, जो हम लोग डिस्कस किए, ठीक है, कोई काम करने लायक नहीं है, सो अगर कोई काम करना, फॉर एग्जाम्पल धारा 370 है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे, तो यू हैव टू टेक ट्रस्ट द अपोजिशन, ठीक है, आपको ट्रस्ट में लेना पड़ेगा किसको, अपोजिशन पे, यू हैव टू टॉक विद द अपोजिशन, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी एंड द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आफ्टर दैट यू विल इंप्लीमेंट सच काइंड ऑफ अ रूल्स दैट आर बीइंग फ्रेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे क्या किया, डिग्री ऑफ ट्रस्ट नहीं है, सो फर्स्ट बात कहता है कि क्या है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, दूसरी बात कोऑर्डिनेशन, अगर गवर्नमेंट चलाना है तो यू हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड, अगर गवर्नमेंट चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन लेना पड़ेगा फॉर द पीपल हु लिव टुगेदर, जो हम लोग साथ साथ रहते हैं उसके लिए, नेक्स्ट बोलता है स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड,
किस तरह से गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करते हैं, किस तरह से चलता है, उसको भी स्पेसिफाई करेंगे। विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन, ऐसा नहीं कि कोई भी डिसीजन ले लेगा, तो पावर दिए हम लोगों ने, लेकिन हम लोगों के विदिन फ्रेमवर्क में डिसीजन लेगा, कोई भी पावर और डिसीजन खुद से नहीं ले सकता है। तो क्या करेगा ये, स्पेसिफाई करेगा, क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा किसके डिसीजंस को, गवर्नमेंट के डिसीजंस को। नाउ इट लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजन, मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या क्या चीज है वो मेरे को प्रोवाइड करो, अगर ये चीज नहीं देता गवर्नमेंट, इट मींस द गवर्नमेंट इज नॉट कंसर्निंग विद, वो मनमानी कर रही है। तो साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, देयर विल बी अ मशीनरी थ्रू व्हिच वुमेन एंड मेन आर बीइंग ट्रीटेड एज इक्वल्स, ऑल द सैलरीज एंड अलाउंसेस, वेदर द मेन इज बीइंग गेटिंग ऑल द सैलरी एंड अलाउंस विल बी गिवन टू द वुमेन, यानी इक्वल राइट्स हैज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, it expresses the aspiration of the people about creating good society. hum log ko pura society ka rehna chahiye, everyone wants a good society jahan pe nali acche se ho, road acche se ho, ladkiyan 12 baje raat mein scooty chala sake, ladke kya hai aaram se pahunch sake, acche education ho, agar badal ka society mein chori nahi ho, ye nahi ho, wo aisa society is called a good society. agar ye society agar government provide kar rahi hai, it will be given on the अब यहाँ पे तो समझ में आ गया कि क्या है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन कर सकता है। किसी को कोई डाउट, क्लियर कोई प्रॉब्लम? नो। तब यहाँ पे कहता है कि ऑल कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेसेसरीली बी अ डेमोक्रेटिक, हो सकता है वो डेमोक्रेटिक हो सकता है वो नॉन डेमोक्रेटिक हो, जरूरी नहीं है कि सबका कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो वो डेमोक्रेसी ही होगा, डेमोक्रेटिक नहीं भी हो सकता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। तो क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं होगा। फिर उसके बाद बोलता है ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका ये खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन किया था और क्या किया, आफ्टर द रिवॉल्यूशन फ्रेंच पीपल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपने लिए किया, और फ्रेंच पीपल क्या किया, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को किया, तो उसमें क्या बताया कि since then it become practice, अब यहां से after the revolution of French, यानी कि French revolution के बाद से they themselves give the constitution, this is what the Indian constitution, वहां से प्रथा चला that people are being writing their constitution। हम बताए थे कि अगर आपको दिखाना होगा तो this is the set of rules through which you will be governed, और ये क्या है set of rules, हम कभी भी दिखा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ कुछ basic structures हैं, कोई भी government आ जाए तो change नहीं कर पाएंगे। So this is whole of the design of the constitution through which equalistic government governed and the relationship between the people and the government is determined according to this constitution. ठीक है? This constitution is being laid in basis on the rights of the people, treatment of the people and the right, yeah, the fundamental duties of the people through which people shall be governed. दिक्कत? Clear? एक बार फिर से देखें। Thank you.